दरअसल प्रीता को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। की आवाज को तो लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन प्रीता की कम हाइट की वजह से लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए ही प्रीता की माँ सरला अक्सर उसकी शादी की बात को लेकर चिंता में रहती थी कि प्रीता के लिए जो भी रिश्ता लेकर आते थे वो सभी उसकी कम हाइट का मजाक बनाकर चले जाते थे, जिससे प्रीता भी काफी दुखी रहती थी। इसी तरह कुछ समय बीतने के बाद राखी अपने बेटे करण के साथ प्रीता को देखने आती है, जहाँ करण प्रीता को देखते ही उसे पसंद करने लगता है। लेकिन प्रीता की कम हाइट की वजह से करण की माँ राखी प्रीता से खुश नहीं थी। बावजूद इसके राखी सरला से दहेज में ज्यादा दहेज लेकर प्रीता की शादी करण से करा देती है। शादी के बाद प्रीता की मुंह दिखाई के लिए आस पड़ोस से बहुत सारे लोग आए हुए थे, जो प्रीता की कम हाइट को लेकर उसे खूब ताना मारने लगते हैं। यह सब देख प्रीता रोती हुई अपने रूम की ओर चली जाती है, जिसके बाद करण भी प्रीता के साथ पीछे पीछे चला जाता है और उससे पूछता है कि प्रीता क्या हुआ, तुम वहाँ से क्यों आ गई? प्रीता कहती है, बताओ करण, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी हाइट कम है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? सब लोग मेरी कम हाइट की वजह से मेरी खूब इंसल्ट कर रहे हैं। जिसके बाद करण कहता है, तुम उन सब की बातों को अनसुना कर दो, लोग कुछ भी कहें, पर तुम मुझे बहुत पसंद हो। कुछ महीने बाद राखी अपने घर एक पूजा रखती है, जहां वो अपने सारे रिश्तेदार को बुलाती है। पूजा में आए हुए सारे रिश्तेदार प्रीता की कम हाइट को देख कहते हैं, तुम करण के लिए पत्नी लाई हो या फिर उसके लिए बच्ची लाई हो? इसकी कम हाइट देखते हुए भी तुमने कैसे इसे अपने घर की बहू बना लिया? इतने में करण वहाँ पर आ जाता है और कहता है, ये मेरी पत्नी है, जब मुझे इसकी हाइट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आप लोगों को भी नहीं होनी चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद प्रीता पूजा के लिए एक गाना गाने लगती है और उसकी आवाज को सुन सबकी मुंह बंद हो जाती है। वहीं प्रीता की सास राखी भी उसकी आवाज को सुनकर उसकी खूब तारीफ करने लगती है, जिसके बाद वह सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। वेल दोस्तों, छोटे कद वाली लड़कियों के बारे में आपका क्या विचार है? आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।